hello everyone welcome to abhi manu is and from today we are going to start a new series for all the aspirants who are preparing for upsc exam and in this series we will bring a very important and frequently asked question for upsc exam and then we will di discuss that question in detail so let us start so today's question is on the screen Today's question is what? This question is, uh, this question was asked in UPSC CSAT 2022. What is the question? Question is, X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter. X and Y, they are two candidates in a race and they are... Uh, किलोमीटर कहाँ पे रेस को कवर कर रहे थ्री हंड्रेड मीटर स्पीडियो थ्री रेशियो टू दोनों की स्पीड कितनी है थ्री रेशियो टू अब यहाँ पे देखिए रेसिस का कंसेप्ट भी आ गया है स्पीड एंड टाइम का कंसेप्ट भी है और साथ में रेशियो का कंसेप्ट भी आ गया है तो सभी आपके यहाँ पे पॉइंट क्लियर होने चाहिए है, है ना तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो रेशियो ऑफ द स्पीड इज थ्री रेशियो टू और देखते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में इफ दे स्टार्ट टूगेदर इन द सेम डायरेक्शन देन हाउ मैनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर एंड द स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटिंग इन द पासिंग ओके अब देखो दोनों की स्पीड की रेशियो आपके पास गिवन है कह रहा है कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे देन वी कैन से जो उनकी स्पीड है लेटेस्ट से दिस इज थ्री मीटर पर सेकेंड रेशियो है ठीक है तो हम रिलेटिव स्पीड यहां पे कंसीडर करके चल सकते हैं ना तो यहां पे इसके वाई के हमने कर ली टू मीटर पर सेकेंड एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं एक सेकेंड के अंदर अगर हम रिलेटिव डिस्टेंस चेक करें तो इसने किया जो फर्स्ट है एक्स एक्स ने मान लीजिए थ्री मीटर कवर कर लिया है ना तो जो y है y ने तो टू मीटर ही किया है तो दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया है वन मीटर का सेम भी अगर हम सेकेंड सेकेंड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा दोनों के बीच में दो मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा फिर तीन मीटर का और फाइनली वो वापिस जो y है y यहां पे कहीं पे पहुंचेगा और x उसको दोबारा से आके पास कर देगा डन तो अब यहां पे जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी है तो रिलेटिव स्पीड यहां पे क्या हो जाएगी आपके पास बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी माइनस होगी तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड डन अब हम चेक करते हैं कि भाई यहां पे वो एक चक्कर के अंदर ही उसको क्रॉस कर रहे हैं है ना तो जब वो उसको पास कर रहा है तो कह रहे टाइम कितना लग रहा है पहले हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं तो टाइम कितना लग जाएगा थ्री मीटर थ्री हंड्रेड मीटर का कोर्स है और उसके अंदर वन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है दैट मीन्स कि उसको थ्री हंड्रेड सेकेंड्स लग रहे हैं और यू कैन से उसको फाइव मिनट्स का टाइम लग रहा है उसको पास करने में डन अब हम देखते हैं कि जो रेस है रेस कितने की है रेस इज ऑफ जो रेस है वो कितने की है रेस इज ऑफ थ्री हंड्रेड थ्री किलोमीटर जब थ्री किलोमीटर है दैट मींस थ्री थाउजेंड मीटर अब हम देखते हैं कि उसको रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है ये टाइम कौन सा है उसको पास करने में x y को पास करने में कितना टाइम लगा रहा है कितनी देर के बाद में उसको क्रॉस करता है दैट टाइम इज 300 सेकेंड ओके okay? अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जो कंप्लीट रेस है उसको x कितनी देर में कंप्लीट करता है ठीक है तो उसमें अंदर उसको टाइम कितना लग रहा है और यहाँ पे इसके किससे डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ x स्पीड ऑफ x इज 3 मीटर पर सेकंड दैट मींस कि 1000 सेकंड ओके okay? तो कितनी बार उसको पास करेगा अब उसने यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है? जो स्टार्ट ऑफ है उसको कंसीडर नहीं करना दैट मीन्स की 300 सेकंड सेकेंड के बाद में क्रॉस करेगा ठीक है देन आफ्टर 300 सेकंड सेकेंड दैट मीन सिक्स पे क्रॉस करेगा और फिर वो उसको 900 पे क्रॉस करेगा दैट मीन्स थ्री टाइम्स ओके सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर टू डेज क्वेश्चन So, our answer is option B. Done? So, students, we are also introducing a new course for UPSC CSAT exam. This is a comprehensive course and this is going to be start in the first week of November. And the candidates who want to join this course, two days trial is also available. ऑल द इम्पॉर्टेंट लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन आप अभी ट्रायल ले सकते हो आप इसका ट्रायल ले सकते हो साथ में ही डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी लिंक्स अवेलेबल है एंड फॉर अदर इंफॉर्मेशन और इफ़ यू हैव समर क्यूरीज इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा इन दैट केस यू विलइक द वीडियो एंड शेयर विद य फ्रेंड्स ओके सो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे पे थैंक यू